अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे किस तरह से आप लोग वर्डप्रेस के अंदर हेडर एंड फुटर कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं विदाउट एनी पेड प्लगइन, विदाउट एनी कस्टम कोड। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और मैं आप लोगों को सारा कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये एक बेसिक सी वेबसाइट है, ठीक है, और यहाँ पे इसका ये हेडर है और ये फुटर है, जो कि कस्टम बिल्ट नहीं है, थीम के साथ आया है। तो अब हमें इसको कस्टमली डिज़ाइन करना है अपने मुताबिक, इसके हेडर और फुटर को। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को जाना है प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू करना है, और यहाँ पे हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है हेडर एंड फुटर। सिंपल इस प्लगइन को हमने इंस्टॉल कर लेना है। ओके, प्लगइन हमने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें, अपीयरेंस के अंदर ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। सिंपल इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने क्लिक करना है ऐड न्यू के ऊपर। इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद यहाँ पे हम इसको लेट्स सपोज हेडर बनाना चाह रहे हैं, तो हेडर पे हेडर लिख दिया यहाँ पे हमने, और यहाँ पे टाइप ऑफ टेम्पलेट, यहाँ पे हमारे पास ये हेडर हम बनाना चाह रहे हैं, और डिस्प्ले ऑन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि इंटायर वेबसाइट पे डिस्प्ले हो। तो सिंपल ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको हमने कर देना है पब्लिश। पब्लिश करने के बाद इसको यहाँ पे हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंटर ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर जो चीज़ें भी हम जिस तरह के भी हेडर डिज़ाइन करना चाहें वो हम कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से ये कैनवस आ चुका है। सिंपल मुझे चाहिए लेफ्ट साइड पे लोगो, दरमियान के अंदर मेन्यूज, और राइट साइड पे एक बटन, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको डिज़ाइन करूँगा। तो मैं इसके लिए यहाँ पे ये वाला जो है लेआउट ले लूँगा। यहाँ पे सिंपल आप लोग क्या कर सकते हो, अपने लोगो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना यहाँ पे मेन्यू ऐड करोगे। तो यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे देखें, ये मेन्यू नेविगेशन, यहाँ पे मैंने ये मेन्यू नेविगेशन ऐड कर दिया, और यहाँ पे मुझे ऐड करना है एक सिंपल बटन, तो मैंने यहाँ पे ये बटन ऐड कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे मैं कुछ जो है लोगो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से ये वाला लोगो, ओके, ये हमारे पास लोगो, ओके, यहाँ पे हमारे पास लोगो, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर के अंदर। लेआउट और लेआउट ये ऑलरेडी सेंटर के अंदर है, और इसको मैं अलाइन सेंटर कर दूंगा। इसको मैं अलाइन राइट साइड की तरफ कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब ये मेरा हेडर बन चुका है। अब इसके अंदर जो चीज़ें भी मुझे ऐड करनी है, जिस तरह से भी, मतलब जिस तरह से भी इसको कस्टमाइज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको अब मैं मज़ीद मोबाइल के ऊपर देख लूँगा कि मोबाइल के ऊपर ये किस तरह से शो हो रही है। यहाँ पे देखें, मोबाइल पे कुछ इस तरह से ये शो हो रहा है। तो मैं मोबाइल के ऊपर चाहता हूँ कि ये बटन शो ना हो और ये दो चीज़ें शो हों। सबसे पहले तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी जो विड्थ है उसको मैं कर देता हूँ परसेंटेज पे। परसेंटेज पे लाने के बाद इसको मैं 50% कर देता हूँ, और इसी तरह से इसकी मैं विड्थ को परसेंटेज पे लाके इसको भी 50% कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह से, और मैं मोबाइल मेन्यू के अंदर इसके लेआउट को चाह रहा हूँ कि ये राइट साइड के ऊपर शो हो। तो इस तरह से मैं इसको शो करवा दूँगा। और ये वाला जो सेक्शन है या ये वाला बटन है मोबाइल के ऊपर, मैं इसको शो नहीं करवाना चाह रहा। तो मैं एडवांस के अंदर जाऊँगा, रिस्पॉन्सिव, और यहाँ पर हाइड ऑन मोबाइल पोर्ट्रेट। तो ये मोबाइल के ऊपर हाइड हो चुका है। तो मैं अब इसको सिंपल अपडेट कर लूँगा। अपडेट करने के बाद अब मैं अगर अपनी वेबसाइट को रीलोड करूँ, तो ये वाला जो मेन्यू है, ये वाला जो हेडर है, वो मेरी वेबसाइट के ऊपर प्लेस हो चुका होगा। इस तरह से यहाँ पे देखें, तो इस तरह से आप जिस तरह का भी हेडर बनाना चाहें वो डिज़ाइन करके लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अगर मैं इसको मोबाइल के ऊपर दिखाऊं, और जिस तरह से हमने सेटिंग्स की थी एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास वो बटन शो नहीं हो रहा, और यहाँ पे हमारा मेन्यू कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब इसी तरह से हम वापस जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर, और अब हमें अगर फुटर डिज़ाइन करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आएंगे, अगेन फुटर के अंदर आएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे फुटर। और सिंपल सेम वही ऑप्शंस, यहाँ पे हमारे पास फुटर डिस्प्ले ऑन इंटायर साइट, और इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद सिंपल सेम वही प्रोसीजर आप लोगों ने अप्लाई करना है एडिट विद एलिमेंटर का।
जैसे एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो आपके सामने ये एडिटर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपना फुटर डिज़ाइन कर सकते हैं जिस तरह का भी चाहें। जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ इस तरह का फुटर है, तो हम यहाँ पे जिस तरह का भी फुटर चाहें वो डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहा, आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आप एलिमेंटर को यूज़ करते हुए कस्टम हेडर एंड फुटर डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस कंप्लीट डिटेल के अंदर सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो बहुत ही डिटेल के अंदर मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर वर्डप्रेस के अबाउट डिटेल्स में सीरीज़ रिकॉर्ड की हुई है, आप YouTube चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पैसे कमाना चाह रहे हैं इस स्किल को यूज़ करते हुए तो फ्रीलांसिंग से रिलेवेंट मैंने काफ़ी अच्छे कोर्सेज स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करके रखे हुए हैं। प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और आपको फाइवर अपर पीपल पर आवर इन सब के कोर्सेज मिल जाएंगे और आप उनसे सीख के अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट के अंदर बताएं कि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सएप के ऊपर भी आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन है मुझे DM करें, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।